हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आए हैं गोविंदम पे खाना खाने, डिनर करने। सारे फ्रेंड्स आए हैं तो आज गोविंदम की ब्लॉगिंग करेंगे, जो कि मतलब हमें इन माय ओपिनियन सबसे सही ढाबा है। और मतलब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती। सबसे मेन बात है कि ये अपना झांसी कानपुर हाईवे पे बिल्कुल सही जगह पड़ता, और यहाँ पे हट्स हैं, बाहर आराम से खा सकते। जैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है तो बाहर आराम से और हट्स में भी खा सकते, और जैसे ये मतलब अंदर भी जगह है तो अंदर भी खा सकते, और यहाँ पे सब मैक्सिमम सारी चीज़ें मिल जाती। दूसरी चीज़ यहाँ पे मतलब आइसक्रीम्स और मोमोज वगैरह भी मिल जाते। ये अपना रिसेप्शन है, ये मेन अपनी वो वाली हट है जिसपे मतलब पार्टी वगैरह होती। बाकी अपन खाएंगे, अगर बात हो सकती है यहाँ पे, वैसे भीड़ तो काफ़ी है तो बात करेंगे। ठीक है, चलो ये सब लोग बैठे हैं। आमिया ये देखो भाई, ये बैठे श्रांश भैया, अपने प्रकल्प भैया, अभिषेक भैया, प्रतीक भैया। ठीक है, अभी आज अपन डिनर करेंगे, और सबसे मेन चीज आज अपन को इसका मेन्यू भी दिखा दे रहे हैं। एक सेकेंड, मेन चीज है सबसे ज्यादा रीजनेबल है इसका, ये मतलब देखो कुछ सब कुछ मिलता। ब्रेकफास्ट हर टाइम के लिए, खाना काफी अच्छा है। दाल फ्राई, सलाद, ऑनियन। तुम्हारी गार्लिक रहेगी, कौन सी रहेगी? हम गार्लिक नान का एक पीस ले लेंगे। एक नान में कितने पीस आते? दो पीस आते। नान खाओगे कोई गार्लिक नान? नान एक एक साथ एक पीस एक नान खा लेंगे। गार्लिक नहीं, वो आलू वाली खाने। आलू आलू अच्छी नहीं लगती, कुलचा नहीं खा रहे, आलू कुलचा सही कह रहे हैं भैया। एक मसाला पापड़ का, तो बाकी भाई भैया भैया मसाला लग सकता पापड़ सकता। हाँ, पापड़ और मसाला अलग अलग। तुम सत्यम मनो? हाय, हाँ बता रहे नहीं, सत्यम मनना जी। हाँ सत्यम, पापड़ अलग अलग। तो ब्रेकअप काय बात पे हुआ? ब्रेकअप हमें ऐसी बात पे हुआ कि भाई हमें फोन नहीं किया, फोन नहीं किया। हम बाहर आ गए चेयर पार्क से, जिन लोग अपने लॉबी में थे ऐड हुए। चलो ठीक है, इनको किट्टू ने फोन कर दिया, अबे आ गए। हम चार लोग हो गए, फिर हमें फोन करके चिल्ला रहा, हमें फोन करके चिल्ला रहा भैया, कह रहे डांट रहे भैया। अब भैया इस पे सुन रहे, हम मतलब स्पीकर पे चल रहा, कह रहे देखो डांट पड़ रही इनकी अभी भाई कत्तम से इतनी। फिर उसके बाद उसके अगले दिन बाद में क्या करा? अगले दिन हमें पता किस बात नहीं लिया तुम्हें? नहीं, अरे तो तुम्हें टीम में एंड में थे, तुम बोल के तो आते कि हम जा रहे के आते, उन्हें बोला और लीडर तुम थे, हम तो निकले थे, खेले हुए थे, तीन तीन डिवाइड हो जाते आराम से खेल जाता। तीन नहीं होते, पर चार और तीन ही दो होते। जैसे दोपहर में आज खेल रहे थे तो हमने किसी को नहीं बुलाया, हमने लोगों को तभी हमने किसी को तुम्हारा चार कुको दे तुम हम जे किट्टू भैया भाई। अगले दिन सुबह 5 बजे तक मैच, अगले दिन फिर सुबह हम लोगों ने पता कितने बजे तक खेला, सुबह 6 बजे तक। ये देखो गोविंदम में अपने हट के अंदर क्या है, पास जाके बिल्कुल ब्लैक कलर की चिपकली। अगर ये गिरी तो अपना खाना फ्री यहाँ पे, अगर ऊपर से सीधे नीचे आई तो खाना फ्री। अपन ने मंगाया है पनीर टिक्का मसाला, दाल, ये अपनी दाल है, ये देखो, और ये है हांडी पनीर, और ये है पनीर टिक्का मसाला। पनीर टिक्का मसाला एज यूजल मतलब काफ़ी अच्छा होता है, मतलब हमें यहाँ का काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और दूसरा हांडी पनीर, और ये मंगाया अपन ने गार्लिक नान, ये तो सही में काफ़ी क्रिस्पी है इस आज के। और बाकी तो गार्लिक नान शुरुआत करें, चलो परसों सब लोग पता करो चक दे पट्टे, चक दे पट्टे। चाल देख रहे ए, ये देखो दाल, वहां पे पनीर, ये पनीर टिक्का, और ये भाई साहब दांत दिखा रहे, कह रहे मुझे कुछ नहीं दे रहा भाई। चलो अब अपन लेते हैं दाल, तो अब सबसे टेस्ट पूछते हैं। तुम बताओ पहले कैसा है खाना, मतलब सब कुछ क्या स्पेशल अच्छा लग रहा है? खाने की तारीफ करना हमेशा ही अच्छा होता है गोविंदम का, सही में हमेशा श्रेयांश से पूछते। श्रेयांश तुम बताओ, बहुत ही मतलब सही से बताओ कम से कम यार भाई। जो पनीर टिक्का है ना, हाँ, उसकी जो कोटिंग है बहुत गजकी है। ये बात सही में ये बात है कि पनीर टिक्का मसाला जैसे हमारे में देखो, इसकी कोटिंग काफी अच्छी रहती है, मतलब जो
टिक्का जैसे होना चाहिए ना, फिर टिक्का बन के ग्रेवी बननी चाहिए, वो चाहिए। गार्लिक नान तो है, प्याज, और तुम बताओ अपना। लिटरली बहुत गजब की है क्या? आप सर उसे खाने से मतलब है, घंटा कोई चीज से मतलब नहीं है। सुबह से लाइट नहीं आई भाई के घर में तो और परेशान है, यहाँ पे पंखा चल के मिल गया भाई, सुकून है। ये अपना खाना हो गया यहाँ का, देख रहे इतना सही आया था कि फिर को परफेक्टली खाया। और बाकी ये अंदर का है गोविंदम का, जो कि मतलब जैसे अंदर बैठ के खाना, तो भैया यहाँ पे काउंटर पे बैठते। ये किचन है, ये अपना थोड़ी दिखा दे रहे कैसी है किचन, मतलब अंदर जाना वैसे अलाउड तो नहीं है, काफ़ी साफ सफाई सब कुछ हो रहा है। ये देखो मतलब ये अपने सारे बर्तन धुल रहे, वहाँ भट्टी है, वहाँ सब कुछ है, ये सब काम चल रहा ठीक है सब, मतलब देखो मतलब साफ से हो रहा। चलो हाँ, तो चलो भैया से पूछते हैं अपने गोविंदम को कितना टाइम हो गया, जो कि मतलब सही में उरई का सबसे अच्छा जगह है। भैया कितना टाइम हो गया अपने गोविंदम को? 2013 से खुल गया, आज 8 साल हो गए। 8 साल से सच में मतलब अपना जो स्टैंडर्ड था वो मेंटेन करके रख रहे हैं। आज ही हम लोग ने जो खाया मतलब जैसे रोटी, तो मतलब जैसे कहीं कहीं होती मतलब ऐसी हो जाती एकदम चमचोर थी या मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट, यहाँ की बहुत अच्छी हैं, तो यहाँ ज़रूर एक बार आओ। और खाना काफ़ी रीज़नेबल है, मतलब पैसा नहीं है कि कहीं कहीं जैसे 300 की पनीर, यहाँ पे सब कुछ रीज़नेबल है, 150 से 200 के अंदर सब कुछ आ जाएगा। बाकी अगर मतलब 4-5 लोगों के लिए खाना 500-600-700 में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं पहुँचता अगर नॉर्मल खाओ तो। ये सही में बेस्ट रेस्टोरेंट है, बाकी हमने दिखाई दिया सब कुछ ठीक है। चलो अभी चलते हैं। बाकी एक चीज़ और, यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे हैं, स्टीम वाले, मतलब सच में वर्थ इट है ट्राई करने के, एक बार जरूर ट्राई करो। बाकी बाय कर दो, आज बाय, आज का व्लॉग यहाँ एंड करते ठीक है। आज अभी हम लोग गोविंदम से आ रहे थे, तो पहली चीज़ जो काफ़ी मतलब डरावनी है, मतलब ऐसे कह लो कि गोविंदम के जब हाईवे से मतलब आ रहे थे, काफ़ी बड़ा सांप, मतलब कितने फुट का होगा, लगभग 5 फिट का होगा, और मतलब काफ़ी डरावना सब, बिल्कुल बगल से गाड़ी निकल गई, मतलब उसने कुछ करा नहीं, मतलब कसम से हम लोग की पटके हाथ में आ गई थी। बाकी अभी हम लोग पान खाने आए थे तो वो तो मिला नहीं, और अब एंड करते हैं व्लॉग, अब से एंड कर दो, टाटा बाय। चलो सब लोग से बाय बाय।